पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल आरसीए के चेयरमैन रह चुके वैभव गहलोत के समय कार्यकारिणी सदस्यों के ऊपर अब जयपुर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। 3 कार्यकारिणी सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दरअसल आरपीएल और आईपीएल के टेंडरों को लेकर कई तरह की अनियमितता पाई गई है। इसके साथ ही आरसीए के फंड के खर्च को लेकर भी कई तरह की अनियमितता पाई गई है। इसी को लेकर अब 3 कार्यकारिणी सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अगर जांच में वैभव गहलोत का नाम भी आगे सामने आता है तो उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि वैभव गहलोत के खिलाफ अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन उस समय जब घोटाला हुआ तब आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत थे। दरअसल भाजपा द्वारा एक एडॉक कमेटी का गठन किया गया था। उस एडॉक कमेटी ने करीब 363 पेज की एक रिपोर्ट दर्ज की है। 363 पेज की रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसमें बताया गया है कि आईपीएल और आरपीएल में जिस तरह से टेंडर का वितरण किया गया वह गलत तरीके से किया गया और गलत कंपनियों को किया गया, और इसके साथ ही जिस तरह से स्टेडियम निर्माण को लेकर अनियमितता बढ़ती गई, गलत तरीके से पेमेंट किया गया, उन सभी को लेकर रिपोर्ट जो है दर्ज कराई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई द्वारा जो फंड आरसीए को दिया जाता है उसको भी गलत तरीके से खर्च किया गया। अब बीसीसीआई भी केंद्रीय एजेंसियों को एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत करने वाला है। ऐसे में अगर शिकायत होती है और केंद्रीय एजेंसियां इसमें एक्टिव होती है तो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में इसमें ईडी और सीबीआई की एंट्री हो सकती है। अगर ईडी और सीबीआई की एंट्री होती है तो वैभव गहलोत की मुश्किल है और बढ़ सकती है। दरअसल इस पूरा मामला तब सामने आया जब मार्च 2023 में श्री गंगानगर से भाजपा के विधायक जयती बिहानी को एडो कमेटी का सदस्य बनाया गया। जब वे आरसीए के सदस्य बने तब वे अकाउंट डिपार्टमेंट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां पर चौक में बन रहे स्टेडियम, जो दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम है, उसके जब अकाउंट खंगालने का प्रयास किया गया तो सभी दस्तावेज गायब पाए गए। जब अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वे दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास भी किसी तरह के दस्तावेज नहीं मिले। ऐसे में एडो कमेटी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 100 दिन की जांच की गई। इस 100 दिन की जांच में जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुख्यतः 3 तरह की जो गड़बड़ियां सामने आई है, खासकर चौप स्टेडियम को लेकर। चौप स्टेडियम की लागत को 300 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया गया। इसके साथ ही कई अनियमित और गलत तरीके से पेमेंट किया गया। इसके साथ ही सड़क बनाने वाली कंपनी को स्टेडियम बनाने का काम दे दिया गया। इसके साथ ही कैटरिंग का काम करने वाली कंपनी को बिल्डिंग बनाने का कार्य दे दिया गया, और इसके साथ ही कई जो पसंदीदा वकील है उनको 3-3 करोड़ का पेमेंट किया गया। लेकिन जो खिलाड़ियों के स्टाफ है और आरसीए के जो स्टाफ है उनको पेमेंट नहीं किया गया। इन सभी को लेकर अब रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह की आगे कार्रवाई होगी। अगर भाजपा इसमें एक्शन लेती है और जिस तरह से 3 कार्यकारिणी सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, अगर जांच में वैभव गहलोत का नाम सामने आता है और उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है तो वैभव गहलोत के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कई तरह के करोड़ों का घोटाला इसमें हुआ है। इसके साथ ही आईपीएल और आरपीएल में जिस तरह से टेंडर का वितरण किया गया, कैटरिंग, सिक्योरिटी और तमाम जो एजेंसियां है सिक्योरिटी को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से एजेंसियां है उनको जिस तरह से टेंडर वितरण किए गए वह गलत तरीके से किए गए, उनको तमाम पैसा बांटा गया लेकिन जो स्टाफ है, खिलाड़ियों के स्टाफ हो, खिलाड़ियों की पेमेंट को लेकर किसी तरह का पेमेंट नहीं किया गया और कई तरह के घोटाले किए गए। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह की जांच होती है और जांच में कौन दोषी पाया जाता है। सुमित देवड़ा, TV9, राजस्थान।